इंदौर से जबलपुर जा रही निजी यात्री बस विदिशा से आगे हिरनई बड़ा गांव के बीच हाईवे पर हादसे का शिकार हो गई, जहां बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बस में 25 यात्री सवार थे, जिसमें से 12 घायल हो चुके हैं। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस ने सभी घायलों को 108 एम्बुलेंस के द्वारा जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां सभी का इलाज जारी है। हमारे इंदौर से आ रहे, दमू जा रहे थे। जय माता दी। क्या हादसा हुआ? वो बस की हेडलाइट नहीं थी, तो बस आते वक्त वो ड्राइवर थोड़ी ऐसे ही चला रहा था, तो रेलिंग में टकरा के बस पलट गई। बहुत से लोग घायल हुए। आप लोगों को किसने भर्ती करवाया? हम लोगों को पुलिस वालों ने भर्ती करवाया, हमारे भैया गए तो भैया ने भर्ती करवाया। जी, आज जिला विदिशा के थाना सिविल लाइन में हिरनई गांव के पास भोपाल सागर हाईवे पर एक बस पलटने की घटना हुई है, और ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है ये बस GMB ड्राइवर के दौर की रूटिंग है, और इसमें लगभग 25 से 30 लोग घायल हुए हैं। अच्छी बात ये थी कि बस पूरी तरह से भरी हुई थी, इस वजह से घायलों की संख्या का हम आपेमदी कर रहे हैं। ये भी हम बता सकते हैं कि 4 से 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सभी घायलों को पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर एम्बुलेंस के माध्यम से भिजवा दिया हॉस्पिटल, और अभी जो बचे पैसेंजर से हमने पूछताछ की है उनसे ये पता चल रहा है कि डेफिनेटली रात में गाड़ी सोनकच में आखिरी बार रुकी थी और उसका लगातार चल रही थी, थोड़ा सा फॉल्ट भी बता रहे हैं गाड़ी में प्रेजेंट था, और ड्राइवर की ठीक क्लियर से गाड़ी चलाने की सूचना भी प्राप्त हुई है पैसेंजर से। इसका मतलब ये हो सकता है कि या तो वो नशे की हालत में था या किसी कारण से ड्राइवर ठीक से नहीं कर पा रहा था। अच्छी बात यह है कि ड्राइवर बस तब हमारी हिरासत में है, तो शीघ्र ही पूछताछ करके पूरे मामले को लाकर दिया जाए। भाई थैंक यू। आज गांव के पास की जो घटना थी, मुझे यहाँ से जानकारी मिली, तुरंत मैंने यहाँ पर स्पॉट पे आया, लोगों को बचाने का काम किया, सभी लोगों को जिला अस्पताल पहुँचाने का काम हुआ, और 3-4 लोग जो हैं वो विशेष गंभीर हैं, उनके इलाज करने की व्यवस्था भी की गई, और उनका जो सामान है उसको उनको सुरक्षित सामान रहे, और उनको सामान उनकी जिम्मेदारी से मिले, ये हमारी जिम्मेदारी जवाबदारी है। सम्मानीय साहब, पूरी व्यवस्था पूरा प्रशासन यहाँ पर आ गया, और लोगों को एक बस पलटने का मामला सुबह 6:30 के आसपास आया था। उसके बाद हमारे यहाँ जैसे पहले 5 आए, 3 आए, फिर 2 आए, इस प्रकार से करीब 13 लोग आए। एक मरीज बहुत क्रिटिकल था, उसको वी हैव मैनेज वेरी नाइसली, और उसको मैंने मैनेज किया। उसका पैर कट गया था, लगातार ब्लीडिंग हो रही थी, उसकी ना पल्स थी ना बीपी थी, लेकिन हमने उसको रिवाइव किया, 2 यूनिट ब्लड भी दिया, पैर का जो पोर्शन था उसको खून बह रहा था उसको रोका, तथा अब आगे और डिटेल है उसमें क्रश इंजुरी, इसके लिए हम एरिया उसको भेज दिया। बाकी हमारे यहाँ जो स्थिर मरीज थे जिनको हम मैनेज कर सकते थे उसको हम मैनेज कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत दर्दनाक घटना है। हादसे में घायल 3 से 4 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है, उन्हें भोपाल रेफर किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, विदिशा।